अब तक तो आपने सुना होगा कि भाई इंसानों के वेंटिलेटर में, ऑक्सीजन में, मास्क खरीदने में, ऑक्सीमीटर खरीदने में, थर्मोमीटर खरीदने में, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने में घोटाला हुआ। मैंने वो सारे घोटाले खोले थे आप लोगों के सामने। अब आदित्यनाथ जी ने जब दूसरी बार सरकार बनाई तो बोले कि नहीं नहीं, सिर्फ इंसानों के स्वास्थ्य उपकरणों में घोटाला करने से काम नहीं चलेगा, अब तो पशुओं के भी जो उपकरण है उसमें भी घोटाला हो। और 50 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 50 करोड़ का घोटाला पशुपालन विभाग में हुआ है। और कैसा कैसा घोटाला हुआ है एक एक करके आपको बता रहा हूं। एक आइटम है कोल्ड बॉक्स, जिसकी कीमत मध्य प्रदेश में उसकी खरीद हुई 47,250 रुपए में, जम्मू कश्मीर में उसकी खरीद हुई 59,000 रुपए में, उत्तर प्रदेश में बाबा जी के राज में उसकी खरीद हुई 1,27,000 रुपए में। और इसी तरीके से वॉक इन कूलर पहले 88 खरीदा गया, फिर 10 खरीदा गया, और दो बार में अलग अलग दाम में एक ही महीने के अंदर खरीदा गया, 75,000 रुपए के रेट डिफरेंस पे खरीदा गया। इसी तरीके से 96 रुपए का एक मास्क खरीदा गया, 96 रुपए का एक मास्क। आप बताइए, मास्क आप अभी चले जाइए खरीदने 20 रुपए में, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए में मिलेगा, 96 रुपए का मास्क खरीदा गया। 65 करोड़ का बजट 4 महीने में इन्होंने खत्म कर दिया। और ये बात पशुपालन विभाग के जो अधिकारी महोदय हैं उनकी मैं चिट्ठी आपको दिखाना चाहता हूं। ये चिट्ठी है 1/7/2022 की, और ये चिट्ठी किसकी है, ये चिट्ठी है रजनीश दुबे, डॉक्टर रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, ये इनकी चिट्ठी है, उत्तर प्रदेश शासन की पशुपालन विभाग की चिट्ठी है। तो ये तो अखबार की खबरें हैं, हो सकता है आप इसको नज़रअंदाज कर दें, लेकिन ये चिट्ठी जो है ये पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉक्टर रजनीश दुबे की चिट्ठी है। और ये चिट्ठी क्या कह रही है, ये चिट्ठी कह रही है कि भाई आपने नियमों का पालन नहीं किया, 10 दिन के जगह 5 दिन में आपने खरीद कर ली, आपने जो सामान खरीदे वो महंगे खरीदे। इसमें इन्होंने तमाम आइटम का जिक्र किया हुआ है, वो डिटेल में आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और इसमें एक लाइन और लिखा हुआ है कि मास्क 96 रुपए प्रति नग की दर से क्रय किया गया, जो अत्यधिक है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तुओं के क्रय में प्रथम दृष्टया ही अनियमितता एवं बहुत अधिक दरों पर क्रय साबित होता है, जिसकी विस्तृत जांच कराया जाना आवश्यक है। तो ये रजनीश दुबे जी कह रहे हैं कि जो सामान खरीदे गए हैं पशुपालन विभाग में, वो सामान बहुत महंगे खरीदे गए हैं, जो रेट बाजार का है उससे कई गुना ज्यादा दाम में खरीदे गए हैं। और 50 करोड़ का चूना तो अभी शुरुआती तौर पे लगा है कि 50 करोड़ रुपए विभाग में घोटाला हुआ है। इसके पहले भी 2018 में घोटाला हो चुका है लगभग 2,000-3,000 करोड़ रुपए का। लेकिन ये चिट्ठी अपने आप में ये कह रही है चिल्ला चिल्ला कर कि पशुपालन विभाग में इंसान के बाद पशुओं का सामान, उपकरण, चारा खाने में आदित्यनाथ जी की सरकार जुट गई।